नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जापान में सोमवार को 90 मिनट के अंदर रिक्टर स्केल पर 4 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए। बता दें, एक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के बाद देश के उत्तर पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। जापान के मौसम विभाग ने इशिकावा प्रांत के नोटो शहर में एक बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसमें लगभग 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। सिलसिलेवार भूकंपीय गतिविधियों के बाद 34,000 घरों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। मध्य जापान में कई प्रमुख राजमार्ग बंद करने पड़े हैं क्योंकि भूकंप के कारण रास्तों में बड़ी दरारें दिख रही है। बता दें, फुकुई प्रांत जापान के होंशु द्वीप का हिस्सा है। वहां पर फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय सरकार के अनुसार कम से कम 5 लोग घायल भी हुए हैं। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के करीब स्थित देश के पश्चिमी तट के कुछ हिस्से सुनामी के खतरे में हैं और स्थानीय आबादी को बाहर निकाला जा रहा है। दक्षिण कोरिया के मौसम विज्ञान ने सोमवार को कहा कि जापान में आए भूकंप के बाद पूर्वी तट पर गेंगबोन प्रांत के कुछ हिस्सों में समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। जापान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया है। किसी भी सहायता के लिए भारतीय नागरिक निम्नलिखित आपातकालीन नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।